ओ चल गए चल चल गए चल गए पोपो एक दो तीन पैर में दर्द हो रहा था, वो एक्सरे कराने रामनगर जा रही है। हाँ तो इस वजह से हमें जाना पड़ा है ना। हाँ तो अभी देखिए भाई, मम्मी लोग भी आ चुके हैं रामनगर से, और मम्मी के जो पैरों में दर्द हो रहा था वो कह रहे थे कि मतलब ऐसे ही हो रहा है थोड़ा ज़्यादा काम करके। तो ऐसा आप जाके यहाँ पर टाइम लग रहा है वीडियो बनने का, और अभी तक मैंने यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा काम किया है। देखिए भाई, बाहर बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका है, और देखिए धूप भी आ चुकी है चारों तरफ, और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा पाला पड़ रखा है चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर हमने लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी है जो हम कल परसों लकड़ी लेके आ रखे थे, और यहाँ पर देखिए भाई इतना ज़्यादा पाला पड़ रखा है ना, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल ही सफ़ेद हो रखा है, और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा चमक जाता है सुबह लेके पाला ही देखिए, और इसमें ना बहुत ही खतरनाक वाली फिसलन होती है। दीपू भाई गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रहे हो? स्कूल? हाँ जी स्कूल है। अच्छा तो देखिए भाई आज से स्कूल भी खुल चुके हैं, और दीपू जा रहा है स्कूल है। दीपू जाना मन करो ना, जाओ मन करना हो जाना। तो देखिए सुबह लेके बहुत ही ठंडा रहता है माहौल पानी, और यहाँ पर देख सकते हो कल का कोड़ा ही कोड़ा यहाँ पर, और यहाँ से हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है गौशाला, और तो इसको लेके जाएंगे है ना नी? हाँ। और हनी भी आएगा है ना? हाँ। आई भी आएगा अभी। पहले गाय और भैंस को निकालेंगे बाहर, बाहर निकालेंगे तब क्या, तब हम उनको पिलाएंगे। हमें क्या जरूरत पड़ी आज जाने के पहले बता दो, क्योंकि हमारी नानी लानी के पैर में दर्द हो रहा था, वो एक्सरे कराने रामनगर जा रही है। हाँ तो इस वजह से हमें जाना पड़ा है ना। हाँ तो यहाँ से हमें इसको भी ले जाना है। चलो फिर बाय बाय। यहाँ पर देख सकते हो भाई कैसा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर बर्फ पड़ रखी, क्योंकि नीचे साइड में देखे ऐसा ही हो रखा है बिल्कुल सफेद। तो आजकल भाई ऐसा साला जाना बहुत ही मुश्किल हो रखा है, क्योंकि देखिए भाई सुबह देखिए यहाँ पर बहुत ठंडा होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फिसलन होती है। तो मेरे मम्मी कुछ ऐसे करके इससे भी पहले मतलब कि आधा एक घंटे पहले चले जाते, तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, और कुछ ऐसा करके। तो आज हमारी ड्यूटी लग चुकी है, तो अब चलते भाई यहाँ से ऊपर को। निकालो निकालो इनको बाहर, देखे भाई गौशाला में आके सबसे पहले काम शुरू हो चुके हैं, और इनको बाहर निकालने का प्रोसेस भी हो चुका है, और इनको यहाँ पर बाहर बांधेंगे, और यहाँ पर इनके लिए धूप भी अच्छी आ रखी है। इसकी रस्सी कहाँ फिर? यहाँ पर अभी थोड़ी पी रहे हैं दूध, यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाता है इसको। तो अभी देखिए भाई आ चुके हम गौशाला से घर वापस, और यहाँ पर ना इतना फिसलन हो रखा है, क्या बताया आयुष कैसा हो रखा है? बहुत फिसलन। किस वजह से? यहाँ पाला पड़ा है। पाला पड़ा है? अच्छा गिर गया? आराम से चल खड़े होकर, चल गिरेगा अच्छे से चल। हाँ सुप्रभात सबके लिए, सबके लिए सुप्रभात सुप्रभात। तभी देखिए यहाँ पर अभी चल रही है साफ सफाई, और पूरी साफ सफाई यहाँ पर हो चुकी है देख सकते हो, और मम्मी की हो चुकी है तबीयत खराब, तो मम्मी चले गई है रामनगर, और आपने देखा भी हम गए थे यहाँ से गौशाला, गौशाला का काम करने, भैंस से दूध निकालने और जो भी करते हैं, और भाभी गई थे, तो हमने जल्दी जल्दी से काम निपटा के घर आ चुके हैं, और अभी मैं पी रहा हूँ चाय।
क्योंकि भाई जब गांव में जब काम करते हैं ना तो उसके बाद थकान लगती है, तो चाय के बाद ही थकान मिटती है। तो देख सकते हो भाई यहाँ पर कितना फैला रखा है सामान, तो पूरा बिखेर रखा है, तो ऐसे ही होता है शादी से पहले। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लकड़ी रखी हुई है, इनको अभी बारीक से करेंगे और फिर सुखाने के लिए रखेंगे। और अभी जाएंगे यहाँ से गौशाला, काम करेंगे वहाँ पर, फिर से घास उस दे के आएंगे, भैंस को पानी खिलाएंगे और बैलों को पानी खिलाएंगे और उनके लिए घास लेके आएंगे। आजकल जो आपको पता है आजकल देखिए भाई जो एक कंटर है यहाँ पर पानी मतलब गीजर जो, तो उसको आजकल ना ये चूल्हे में रहता है, बस इसमें पानी रखो और रखते जाओ। और तो आजकल देखिए भाई सभी लोग गोबर डालने लग गए हैं, तो मीनाक्षी रावत अभी गोबर डाल के आ रखी है, उनको लग गई है प्यास, तो अभी डाल रहे हैं। अभी ये ले जा रहे हैं यहाँ से नींबू और नींबू खाएंगे, क्योंकि आजकल नींबू होते हैं गरम। तो मैं नींबू बना रहे, अच्छा खटाई, अच्छा नींबू। तो भाई देखिए अभी खाना पीना तो हो चुका है और यहाँ पर आ चुके हैं। आजकल भाई धूप सेकने का काम है, तो यहाँ पर अभी मैं आ रखा हूँ खाना खाने के बाद धूप सेकने के लिए। तो देखिए भाई अभी शाम हो चुकी है और धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लग गया है, और सुबह से आप जाके यहाँ पर टाइम लग रहा है वीडियो बनने का। और अभी तक मैंने यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा काम किया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाए, तो अभी देखिए इसके लिए अभी कुछ ऐसा बना रखा है मैंने यहाँ पर अभी ढांचा, तो अभी यहाँ पर ढांचा तैयार हो रहा है और कल वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं और दीपू जा रहे हैं यहाँ से ठीक दुकान में, वहाँ से थोड़ा सब्जी वब्जी लेके आएंगे, है ना। और देखिए ठंड से कुछ हाल ऐसे हो रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो भाई कुछ आजकल देखे हुए गेहूँ में यहाँ पर पीलापन आ चुका है, क्योंकि बारिश ना होने के कारण से यहाँ पर देखिए पूरी पीली हो चुकी है गेहूँ की खेती। और उस साइड को ये वाली हमारी खेती है जहाँ पर कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा करके नीचे नीचे साइड गेहूँ नहीं हो रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कम मात्रा थी। और ऊपर साइड को देखिए तो यहाँ पर देखिए भाई छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर चल रहे हैं, उनका मैच और कैच एम कैच चल रहा है यहाँ पर, वो देख सकते हो, और कैचा कैच खेल रहे हैं चार पाँच बंदे देखिए यहाँ पर ही। हाँ कुछ ना अभी एक्सरे करो अल की निकल अभी एक्सरे नहीं करा कब हुआ एक्सरे में बोल ओ ओह अंशु सिंह क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो? ए अंशु अंशु देखो चीची अंशु क्या कर रहा है यहाँ पर, खाना बना रहा है अंशु, खाना बना रहा है अंशु देखो। ओ ओ ओले गोल गोली क्या कर रहे हैं यहाँ पर सब्जी, गोली ने यहाँ पर सब मटर गिरा दे, हाँ गिरा दे तुमने गिरा, हाँ गोली ने यहाँ पर सब मटर गिरा दे देखो अंशु। हाँ सब हाँ सब गिरा दिए सब, हाँ सब गिरा दे अंशु ने। हैं इतना रात के लिए तुम दा क्या अंतर रहा तुम भाई, हैं क्या अंतर रहा नगर सोनू तू लेते, अच्छा क्या मैं तुम टैक्सी भाई पहले तो बस छोड़ का जाए भीड़ रहो हॉस्पिटल में, साढ़े ग्यारह बजे पगे वाके ब्रिजेश जोड़ो कोई पड़े अच्छा। तो अभी देखिए भाई मम्मी लोग भी आ चुके हैं रामनगर से, और मम्मी के जो पैरों में दर्द हो रहा था वो कह रहे थे कि मतलब ऐसे ही हो रहा है थोड़ा ज़्यादा काम करके,
तो अभी खाना पीना खा के आ चुका हूँ मैं सोने के लिए, और आप भी सो जाना, गुड नाइट। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, कमलेश्वर महादेव की जय।